तो भाइयों एक बात बता देता हूँ, जो अनप्लान ट्रिप्स होती है ना सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। अभी बस फोन रखा ही था इतने में एक और कॉल आ गया। दोस्तों मैं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, देख लो कुछ हुआ फिर ऐसा। हेलो, अरे तू कहाँ है ब्रो, सब सेट पे डिस्को जा रहे हैं, तू भी आ जा। चल ठीक है मैं आता हूँ। हेलो, अरे यार ब्रो क्या कहते हैं, एक टिकट बुक करनी है सेंट पीटर्सबर्ग की। हाँ यार बिल्कुल अर्जेंट में जा रहा हूँ, अनप्लान ट्रिप बनी है ना, कोई मेरा प्लान नहीं था मगर एकदम से जाना पड़ रहा है, तो जल्दी से ना एक टिकट बुक कर दे फ्लाइट की। तो टिकट बुक करवा दी थी मगर हुआ क्या, यहाँ से एयरपोर्ट जाने का रास्ता है 350 किलोमीटर और उसके लिए करनी थी टैक्सी बुक। टैक्सी कर दी बुक मगर उस टैक्सी वाले ने कंफर्म भी कर दिया, हाँ भाई साहब तुम आओगे क्या। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। तो मैं पहुंच गया था स्टॉप पे, रात के हो रहे थे 11:30, टेम्परेचर था -25, मार्च का टाइम था। तो टैक्सी वाला आया, मैंने टैक्सी वाले को कहा कि मुझे नोवोसिब्र्स्क जाना है, आपकी टैक्सी का नंबर लिखा हुआ है इस पे मेरे टिकट पे। टैक्सी वाला कहता भैया आपकी तो कोई टिकट नहीं है। मैं कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है मेरी टिकट नहीं है। वो कहता कि भाई हमने तो आपकी टिकट जो है दिन में ही कैंसिल हो गई थी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा तो फ़ोन भी आया था, तुमने कन्फर्म करके पूछा था। कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो दूसरी टैक्सी होगी आपकी, आप वेट करो आधा घंटा तो दूसरी टैक्सी आ जाएगी 12 बजे तक। मैं कहा चलो ठीक है वेट कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि 12 बज गए मगर एक भी टैक्सी नहीं आई और पूरा स्टॉप जो था बिल्कुल खाली, अब तो कोई ना बस थी ना कुछ भी नहीं था। तो मेरे भाई मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई यार क्या करें जाए, कैसे जाए, भाई सेंट पीटर जाना है, सुबह 8:30 बजे की टिकट है। दोस्त कहता यार अब तो कुछ है नहीं कि चल अब तेरे को टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी। मैं कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा। तो दोस्त कह रहा चल आजा रेलवे स्टेशन चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। तो मैं अब रेलवे स्टेशन पहुँचा, रेलवे स्टेशन पे देखा कि प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी थी। तो दोस्त फटाफट से भाग के गया काउंटर पे, मैं भी उसके साथ में। दोस्त ने काउंटर वाले से पूछा कि नोवोसिब्र्स्क कोई टिकट है, वो कहते कि भाई अब तो कोई टिकट नहीं है। अब दोस्त ने मेरी तरफ देखा, मैं कह रहा भाई कुछ तो सल्यूशन निकालो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। काउंटर वालों से पूछा कि कोई भी रास्ता है नोवोसिब्र्स्क पहुंचने का। काउंटर वालों ने कहा कि भाई प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, 5 मिनट में निकलने वाली है मगर वो जा रही है ताइगा, तो आप उससे निकल जाओ। मेरा नाम है ताइगा और वहाँ से नोवोसिब्र्स्क की ट्रेन है 2:15 पे, तो बीच के अंदर 10 मिनट बचेंगे मिलेंगे, तो उसके अंदर तुम्हें टिकट खरीदनी है और नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है। तो अभी क्या हुआ है कि मैंने ताइगा की ट्रेन ले ली है, उसमें बैठा हुआ और जा रहा हूँ ताइगा, वहाँ से पहुँच के लेंगे भाई नोवोसिब्र्स्क की ट्रेन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई साहब मैं ताइगा पहुँच गया हूँ बहुत फुर्ती में, फटाफट, एक घंटे का सफ़र था और अब जो सीन है नोवोसिब्र्स्क के लिए ट्रेन पकड़नी है, 10 मिनट बचे हुए हैं नेक्स्ट ट्रेन के लिए। भाई गंदी ठंडा है और मैं अभी ये वाला पुल क्रॉस करके, और ये मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है बस यही वाली ट्रेन है। पहुँचने वाले हैं और अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं, एक घंटे का सफ़र बचा है पहुँचने के लिए, तो मिलते हैं वहीं भी पहुँच कर। तो भाई मैं नोवोसिब्र्स्क पहुँच चुका हूँ और फटाफट बस स्टॉप के पास पहुँच रहा है, निकलते देखते हैं क्या सीन है। यहाँ से मैं टैक्सी लेता हूँ बस स्टॉप, देखा जाएगा। तो भाई अपनी टिकट हो गई है, बोर्डिंग हो गई है, बस अब वेट करना है फ्लाइट का। अभी अच्छा आराम से बहुत काफ़ी टाइम बचा हुआ है।
जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं और एयरपोर्ट का काम सारा ख़त्म हो चुका है। अभी जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के लास्ट स्टॉप पर, पता नहीं क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं, बट आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अब मैं जा रहा हूँ इन दोस्तों के पास। बड़ा मजा आया यार।